तो अगले वीडियो में आप लोग देखे होंगे SIR का मैं दिखाया था आपको SIR का सीन, और अभी मैं बता रहा हूँ जो TP1 का SIR जो बन रहा है वो धोलेरा के नाम से बन रहा है। लेकिन धोलेरा का नाम तो आप बहुत सुने, लेकिन धोलेरा का गांव जो है बहुत पुराना गांव है, जो कई वर्षों से वहां पे लोग रह रहा है, और उस गांव को मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं, और ये जो झाड़ और लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये पहले से ऐसे ही था, लेकिन अभी मैं गांव में चलता हूं। देखिए ये गांव का ये सीन आपको दिख रहा है। यहां पे जो है बहुत पुराना पुराना मकान आपको दिखेगी, लकड़े का मकान दिखेगी आपको, और नरिये का वो मकान दिखेगी आपको। देखिए सामने जो दिख रहा है ना, ये लकड़े का बना हुआ है सब, नरिया उसके ऊपर से। और देखिए ऐसे यहाँ पे लोग क्या किया था पहले लोग, जब यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, लोग देखिए स्वामीनारायण का गेट है, अब यहाँ पे नहीं हो रहा था तो लोग जो है बाहर निकल निकल के जा रहे थे, लेकिन अभी लोग आना चालू कर, जब से SIR का काम चालू हुआ तब से यहाँ पे आना चालू कर दिया लोग, और डेवलप भी चालू कर दिया लोग, बनाना गांव में लोग घर भी बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि ये TP1 में SIR आता है। देखिए अब कितना सुंदर सुंदर अभी लोग मकान बना रहे, लेकिन पुराने समय का देखिए मकान है, पहले का लकड़े का घर है, लकड़े का दरवाज़ा सब कुछ आपको दिखेगा। ये धोलेरा, धोलेरा आप सुने थे, यही धोलेरा गांव है जो आपको सामने से दिख रहा है। देखिए कैसे कैसे यहाँ पे मकान है सब, किस तरीके से लोग यहाँ पे मकान बनाया था लोग, पहले का लकड़े का और ईंट का बनाया था लोग, और वहाँ पे जो है अभी भी झाड़ी जंगल आपको दिखेगा। देखिए पुराना पुराना मकान है, और आप देख सकते हैं सामने से, और लाइट वाइट का व्यवस्था यहाँ पे हुआ था पहले, लेकिन यहाँ पे बसने वाले लोगों को सुविधा ज़्यादा नहीं था, इसके लिए बाहर गांव लोग जा जा के अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अभी सभी लोग आ रहे हैं। देखिए ऐसे मकान वहाँ पे बना था। मैं एक साइड का धोलेरा गांव जो है एक साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ इसके लिए आपको एक ही तरफ का दिखा सकता हूँ। देखिए कैसा कैसा मकान बना हुआ है, देखिए ये नरिया लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे मकान वहाँ पे पुराने ज़माने का, पुराने समय का ये मकान सब है। अभी इसका लोग डेवलप लोग चालू कर दिया, लोग बनाना चालू कर दिया। देखिए इस तरीके का मकान वहाँ पे लकड़े का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं सामने से आपको दिखेगा, यहाँ पे अभी डेवलप भी चालू हो गया, और बहुत तो पहले का जो जैसे मकान बना रहता है उस तरीके से धोलेरा का ये जो मकान बना हुआ है, और यहाँ पे दुकान भी देखिए ऐसे दुकान भी है यहाँ पे, और सब धोलेरा गांव का। देखिए अभी ये डेवलप लोग कर दिया है, मकान बना दिया है लोग, अब धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना मकान बनाना चालू कर दिया, क्योंकि SIR यहाँ पे आ गया है। और देखिए ऐसे ऐसे मकान थी, और अभी ये लकड़े का यहाँ पे तो ज़्यादा देखेंगे आप, लकड़े का सब मकान बना था, नरिया लगा हुआ था ऊपर में घर में। अब एक साइड का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, धोलेरा गांव भी थोड़ा बड़ा है, देखिए लकड़े का सब मकान बना हुआ है, और सब और पत्रा लगा हुआ है, और छोटा मंदिर अब देखें यहाँ पे स्वामीनारायण का मंदिर बहुत बड़ा है, और देख सकते हैं ये मकान आपको दिख रहा है पूरा जलजला हो गई है, और इसको लोग तोड़ के अभी डेवलप करेगा लोग, क्योंकि यहाँ पे सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है, इसके लिए इसका विकास तो होना कंपलसरी है। देखिए ऐसे यहाँ पे बाजार ही है, यहाँ का जो मार्केट है ये मार्केट है धोलेरा गांव का, यहाँ पे हर एक सामान आपको मिल सकता है, और आप जब भी आएंगे इस गांव में तो कोई भी सामान आपको ज़रूरत रहेगा तो यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि यही मार्केट है धोलेरा गाँव का, और जिस गाँव के नाम से ये बना है उस गांव में, जिस गांव के नाम से यहाँ पे धोलेरा सिटी बन रही है उस गांव का देखिए दशा पहले का ऐसा है, लेकिन इसका भी प्रोग्रेस होने वाला है, बहुत बढ़िया ये सिटी उभर के आएगा, ये गांव जो सिटी में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस तरीके का सीन है, और यही 5 साल के बाद में इस तरीके का आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए सामने से अपार्टमेंट खड़ा कर दिया है लोग, अभी ये भी डेवलप धीरे धीरे लोग कर रहा है लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल वो सिटी बन रही है, बहुत बढ़िया सिटी बन रही है, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये सब दिख रहा है जो ऐसे नहीं दिखेगा।
क्योंकि ये पुराने समय का ये सब बना हुआ है। धीरे धीरे लोग मकान बनाना चालू कर दिया, अपना अपना डेवलप चालू कर दिया, अपना अपना लोग बनाना चालू कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि धुलेरा धुलेरा में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत फ्लोट, एस आई आर के अंदर भी फ्लोट है, एस आई आर से बाहर भी फ्लोट है। और ये एस आई आर जो है ना, कम से कम 5 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, इंडस्ट्रियल आएगा, रेसिडेंसी आएंगी। और आप देख सकते हैं, ये तो पुराना पहले समय का ये था मकान, इसके लिए आपको ऐसा देख रहा है। लेकिन यहाँ पे डेवलप होगा, आपको यदि फ्लोट लेना है तो आप फ्लोट भी आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल मिल जाएगा, रेसिडेंसी मिल जाएगा। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हम दिखा सकते हैं, आपको साइट विजिट करा सकते हैं। और देखिए, धुलेरा गांव है, धुलेरा गांव में अभी लेने आप जाएंगे, धुलेरा गांव में तो मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं, लेकिन धुलेरा गांव का जितनी जो प्रॉपर्टी है, जितनी ज़मीन है, वो सरकार के अंदर में हो गई है। क्योंकि सरकार जो है इस गांव को डेवलप करके देगा। और इस गांव में जो है तो इस गांव के सभी लोग जो है बाहर ही रहते हैं, लोग बहुत कम लोग था। लेकिन जो लोग हैं अभी, वो उन लोगों का भी अपना अपना खुद का रोज़गार लोग कर लिया है और यहाँ पे डेवलप करना चालू कर दिया लोग। देखिए, सरकारी जो है अस्पताल है ये, और पहले का धुलेरा का जो है ये गांव के लिए। और अभी देखिए, ये सब इस तरीके से जैसे पुराने पुराना गांव रहता है, उस तरीके से यहाँ पे पुराना पुराना सब मकाने थे, आपको दिखा भी। और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ की जो है, जैसा आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिख रहा है, उसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी इच्छा करें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपको हम विजिट करा सकते हैं। और देखिए, ये धुलेरा गांव का गेट है, आप जब बटा उधर से आएंगे, पिपली से आएंगे, तो ये गेट दिखेगा आपको। और हम रोड पे चलते हैं और यहीं पे हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद।